नमस्कार। आज इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनावों के दूसरे फेज की भी नोटिफिकेशन निकाल दी है। यहाँ पे 26 सीटों के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी नॉमिनेशन जो है वो 5 सितंबर तक चलेगी और 9 को इसका विड्रॉल किया जाएगा और 25 सितंबर को चुनाव होंगे। ये जो चुनाव जो है ये गांधरबल, श्रीनगर, बड़गांव, रियासी, रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में होंगे। 26 सीटों के लिए है और 7 से लेके शाम को 6 बजे तक मतदान हो पाएगा 25 सितंबर को। और जिसकी जो नॉमिनेशन की विड्रॉल है वो 5 तारीख को उसकी इनकी नॉमिनेशन लास्ट डेट है और 6 को स्क्रूटनी होगी और 9 सितंबर को विड्रॉल हो जाए, जो नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है, उसके बाद जो 25 सितंबर को चुनाव हो जाएंगे। अब चूंकि दूसरे चरण के चुनाव भी सामने आ गए हैं तो कुदरती बात है जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों की हलचल बढ़ती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने होटल रिट्स मैनन में वार रूम खोला है। हालांकि मीडिया के साथ उनकी कोई तलखी भी हुई, वहां पे जो उनका मुख्यालय था वहां पर उन्होंने मीडिया को अंदर आने से भी बंद कर दिया। चूंकि बवाल चल रहा है, बाहर से लोग आके वहां पे प्रदर्शन भी कर रहे हैं, शायद उसको देखते हुए, क्योंकि रास्ता भी बहुत कम है, लोगों को भी वहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब बड़ी बड़ी यहाँ पर रैलियां होती हैं, बड़ी गाड़ियां जब मंत्रियों के साथ आती हैं, बाहर से जो प्रभारी आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, स्टार प्रचारक आ रहे हैं, उनकी वजह से एक बहुत बड़ी त्रिकुटा नगर में डिस्टर्बेंस हो सकती है। शायद उसको देखते हुए उन्हें होटल रिट्स मैनन में अपना टेम्प्रेरी जो है वहां पे अपना कार्यालय बनाया है, चुनावों को देखते हुए वहां पे एक वार रूम खोला है और वार रूम में जो है वो मीडिया को हर रोज वहां पे संबोधन करेंगे। उनके जितने भी नेता हैं, जो भी उनका काम होगा दिन भर का, उसके बारे में मीडिया को जानकारी देंगे। अब रही बात यहाँ की जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने जो खास करके बयान दिया है कि हमें इस जो असेंबली है इसमें से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। और उन्होंने पीडीपी के ऊपर भी उंगली उठाई है कि जो कह रहे हैं चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, लेकिन अपने रिश्तेदारों को वो चुनावों में उतार रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये तलखी, ये एक दूसरे पर छींटा कशी कितनी और बढ़ेगी, ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। दूसरे फेज के चुनाव जो है ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है, क्योंकि इसमें से जम्मू संभाग में काफी हैं जो सीटें हैं, 26 सीटों में काफी सीटें जम्मू संभाग की हैं, पुंछ रजौरी की हैं, रियासी डिस्ट्रिक्ट की है और कटरा वैष्णो देवी की, जो नई हमारी ये असेंबली सेगमेंट बना है उसका भी चुनाव होगा इसी फेज में, इसलिए लोगों का ध्यान इस तरफ ज्यादा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी अपने काम में जुट गई है, बाहर से स्टार प्रचारक आना शुरू हो गए हैं और बहुत से इनके कार्यकर्ता देश के कोने कोने से आ रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल चुपचाप और बड़े एक तरीके के साथ फील्ड में भेजा जा रहा है। बाहर जितने भी है वहां पे जा रहे हैं, बाहर उनको काम उनको सौंपा गया है। और दूसरी बात है कि जम्मू के अंदर 2-4 सीटों को लेके यहाँ पे हंगामा चल रहा है और नाराजगी है जो उसको अभी तक खत्म नहीं किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू की जो बहु सीट है उसके ऊपर भी एक रहस्य बना हुआ है। अभी तक वहां पे किसी भी कैंडिडेट का नाम सामने नहीं आया। यहां तक कहा जा रहा है कि रविंदर रैना इस सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाट समुदाय जो है उनको भी कोई सीट नहीं मिली है, उन्हें कुछ नहीं मिला। और ये भी एक दिमाग में है कि शायद हो सकता है किसी जाट नेता के लिए यहां से सीट दी जाए, उसे यहां से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन रविंदर रैना ने भी आज कहा है, जब कल तक वो कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि पार्टी मुझे जहां से आदेश देगी, यहां से चुनाव लड़ने को कहेगी, मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा। इनका मतलब है चुनाव लड़ने से उन्होंने इनकार नहीं किया है। अब देखना यह है कि 2-4 दिन में, क्योंकि सेकंड फेज में आ गया, अब थर्ड फेज का जो है नोटिफिकेशन रह गया है। सेकंड फेज के चुनावों में जितने भी इनके जो उम्मीदवार हैं, इनके कैंडिडेट हैं, उनके नामों की घोषणा तो इन्हें 2-4 दिन के अंदर अंदर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 सितंबर को लास्ट डेट है। क्योंकि पहले फेज के अंदर काफी इनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, एक तो टिकट का बदल, सीटों के बारे में शोर शराबा होता रहा, बीच में छुट्टियां बहुत आ गई और आखिरी तारीख में ही
सभी ने चुनाव को मैं अपने पत्र जो है वो दाखिल किए। उसमें से मुश्किलों का सामना इनको काफी करना पड़ा, बहुत सी NOC वगैरह लेनी होती है, वो बहुत मुश्किल से उनने राइट टाइम पे सारी करके नॉमिनेशन पेपर भरे। ये तो है नहीं है कि इनको पहले बता दिया गया है कि आप यहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हर एक आदमी जो है वो लाइन में खड़ा है, इंतजार कर रहा है कब इनकी लिस्ट निकलेगी, कल वो अपने NOC वगैरह व बाकी जो फॉर्मेलिटीज है कागज की वो सब पूरे करेंगे, ताकि एन मौके फटक से जाके अपने नॉमिनेशन पेपर दायर कर रहे। आज जम्मू ईस्ट से भी युद्धवीर सेठी ने, उनने भी आज अपना जो चुनावी प्रचार करना शुरू कर दिया। आज वो पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के जो स्मृति है वहाँ पर जाके उन्होंने फूलमाला अर्पित की और वहाँ से उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं में आ रही है वो सबसे बड़ी बात यह है, ये अभी से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। क्या बात है, इनको समझ में नहीं आ रही है, ये फ़ोन नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ से कहते हैं हम काम करेंगे, कोई भी एक को हमें एक बार भी बुलाएगा हम चल पड़ेंगे, हम उनके साथ करेंगे काम। लेकिन जब फोन किया जाता है और मीडिया के लिए वार रूम खोला जाता है, वार रूम से बात करते हैं, लेकिन नेता फोन उठाने में हिचकिचाहट क्यों करते हैं? शायद वो इस धोड़ाधड़ी में जब इस चक्कर के अंदर कोई ऐसी बात ना उनके मुंह से निकल जाए जो उनके बने बनाए को खेल को खराब करते हैं, या यही रीजन हो सकता है। नहीं तो क्या बात है, जिन पिछले दिनों चुनाव शुरू होने से पहले ये लोग मीडिया से बात करते थे, खुद फोन करते थे, खुद कहते थे, आज ये दूर क्यों हो रहे हैं? वार रूम तो खोल दिया है, वार रूम खोल के आप मीडिया से बात नहीं करोगे, कैंडिडेट फोन नहीं उठाएंगे, नेता फोन पे बात नहीं करना चाहेंगे, तो उस वार रूम का क्या फायदा है? वार रूम तो वही त्रिकुटा नगर वाला हो जाएगा, बाद में वहीं पे बोर्ड लगा दिया जाएगा, मीडिया जो है अंदर आने से उनको मना कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े चुनाव लड़ने जा रही है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, और जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर वह सरकार बनाना चाहती है। अगर यही बात है तो उसको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा और मीडिया को साथ लेना पड़ेगा। मीडिया का इन चुनावों में एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। नमस्कार।